नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सेकुलर इंडिया न्यूज में। अभी हमारी टीम आ चुकी है जोड़ा गिरजा में, जहाँ की पुलिस, जहाँ पे मैं आपको बता दूं यहाँ पे नॉर्मली नाका चेकिंग चल रही है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ का पुलिस का एक बिहेवियर सामने आया है, हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियो भी है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सार्जेंट साहब लिटरली पब्लिक को जो है गाली दे रहे हैं, और वो वीडियो हमारे पास अभी मौजूद है, मैं आपको साइड में चला दूंगा। मैं सार्जेंट साहब से पूछना चाहूंगा कि आप पब्लिक को गाली क्यों दे रहे हैं सर? ना अपना संगे हमको तो बहुत ज्यादा गाली दिया। अभी अभी जो वो गाली बहुत ज्यादा ऐसा गाली दे रहा कि मतलब लॉकअप कर देगा, लॉकअप कर देगा, ऐसा बोल रहे कि लॉकअप कर देगा। और इतना गाली दिया है कि क्या बोले, हमको नहीं, जिसको पकड़ ला उसको। हम मेरा मोबाइल भी ले लिया था, हमको पैसा लाने बोला घर से पैसा भी ला के दिया। हाँ। बेचारा का लाइसेंस, लड़का का लाइसेंस भी ले लिया, मोबाइल वापस दिया, पैसा भी, क्या किया हमको नहीं मालूम। गाली ये भाई लोग बहुत गाली दिया। केस हुआ था तो केस के संबंध में बात होना चाहिए ना। हाँ। गाली क्यों देगा कोई भी आपको गाली दिया गया। हाँ भाई, बहुत गाली, बहुत माँ बहन का गाली दिया गया। माँ बहन का गाली दिया जा रहा है। हम लोग हम हेलमेट हाथ में लेके थे। हम दो ऐसे हेलमेट खोला है। हाँ? यहाँ पर लोग पकड़ा है बस, फिर पहले हाथ ही में मेरा हेलमेट हाथ में ही है। तो एक मिनट के लिए कैमरा में देख के बात कीजिए करके। आप गलत थे ना? हम वहाँ रॉन्ग में थे। तो आपने फाइन दिया? फाइन दिया, 500 रुपया दिया। तो आपका अभी इल्जाम क्या है, कैमरा में देख के बात कीजिए। मेरा इल्जाम यही है भाई लोग, गाली कितना का दे रहा है, गाली क्यों दे रहा, गाली क्यों दे रहा, मिसबिहेव क्यों कर रहा है, सीधा सा बात है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लाइव विटनेस यहाँ पे है, आपका संग क्या हादसा हुआ है जरा बताइए आप। मेरा लाइसेंस जमा हो गया और कुछ नहीं, मैं फाइन दे रहा हूँ, फिर भी वो बोले 1000 रुपया देना होगा, मैं बोला सर नाम लगा रहे पुलिस पर की गाली दी है। ये सब तो हम नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हम देखा नहीं, नहीं हम नहीं देखा ऐसा, हम नहीं बोल पाएंगे। रेखा ने उन्हीं हमारे सामने खिस्ती दी छिलो, आप नहीं बोल सुनो, आई बोल सुनो, आई बोल सुनो, आई बोल सुनो, আপনি তো সিনিয়র একটা ট্রাফিক সার্জেন্ট স্যার, এনাকে জিজ্ঞেস করুন, ইনি জানে, ইনি ছিল তো, এনাকে জিজ্ঞেস করুন। তাহলে चलो देखिए, कोई अगर आपको फाइन दे रहा है, चलिए आप माइक में बोलिए, कोई अगर आपको कोई केस दे रहा है तो आपका काम है जानकारी लेना। हाँ, चुपचाप से केस दे रहा तो केस लेंगे। हाँ, तो किस लिए दे रहा है जानकारी लेना है ना? हाँ हाँ हाँ, वो तो बताया भी था, वही पूछा हमारा वीडियो में, वो तो बताया भी ऑफिसर, उसने लिटरली गाली दे के भेजा। गाली तो हमारे पास वो वीडियो है दादा, हमारे पास वो वीडियो है, हम लोग देख रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये वीडियो सपोर्टिंग वीडियो साइड में चल रहा है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए कोलकाता पुलिस का काम पर हम लोग जो है कभी भी इल्जाम नहीं लगाते हैं। कोलकाता पुलिस की तरफ से हमेशा हम लोग ने काम दिखाया है कि बेस्ट एंड बेस्ट, पर आज का जो है माजरा कुछ और दिख रहा है, पता नहीं क्या है। वहीं पे एक सार्जन साहब है जिनका ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, वहीं पे ये सार्जन साहब है जो लिटरली हम लोग को अवॉइड कर रहे हैं कि हमें बाइट दो बोना। अगर आप सही है तो आप बाइट क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर आप सही है तो आप बाइट क्यों नहीं दे रहे हैं? आप अपना डेफिनेशन दीजिए, क्या प्रॉब्लम है आखिर? कि तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अभी भी जो है बहुत सारे लोकल भी आ चुके हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोकल है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सार्जन साहब अपना काम कर रहे थे। देखिए ये काम हमारा नहीं है, अगर आप गलत है तो आपका उनका हक बनता है आपको जो है फाइन करना, पैसा भी ले लिया, लाइसेंस भी नहीं दिया। पैसा ले लिया तो ये किस चीज का पैसा लिया मालूम? कितना पैसा लिया? 500 रुपया ले गया, रैपिडो ड्राइवर को दे दिया वो।
बोल रहा है पैसा से तू अपना छुड़ा लेगा। कौन पैसा लिया? अरे मेरा रैपिडो ड्राइवर को पैसा हम लाके दिया, हम लागे तो आप क्लियर बताइए भैया। हम बता रहे हैं, अच्छा ठीक है ठीक है, अच्छा हम बता रहे हैं। सर देखिए सर, हम रैपिडो राइडर हैं, ठीक है। मैं गाड़ी चला रहा था, गाड़ी दौरान में मैंने इनको बार बार बोला हेलमेट पहनने के लिए, इन्होंने हेलमेट नहीं पहना, इनके वजह से पुलिस ने धरा है। धरने के बाद उन्होंने बोला कि लाइसेंस दे दो मुझे, तो मैंने बोला ठीक है सर मैं लाइसेंस दे रहा हूँ। तो सर ने अपना जो काम है कार्रवाई अपना अच्छा काम किए सर ने, ठीक है, क्योंकि उनका हिसाब से तो हम लोग को सेफ कर रहे हैं ना, वो तो हेलमेट की वजह से मुझे सेफ कर रहे थे। मेरा कस्टमर का गलती है जो हेलमेट नहीं पहने वो ना, इसलिए वो मेरा लाइसेंस लिए हैं। मैंने बोला सर स्पोर्ट फाइन आप ले लो, स्पोर्ट फाइन ले लो, तो मैंने बोला सर ठीक है आपको मैं स्पोर्ट फाइन दे रहा हूँ, तो स्पोर्ट फाइन 1000 रुपये बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ सर 500 में ले लो सर, तो बोले नहीं सर, हाँ मैं कुछ नहीं बोला, नहीं सर नहीं नहीं सर का कोई गलती नहीं है सर का कोई, अरे भाई मैंने भी यही बोल रहा हूँ सर का कोई गलती नहीं है, जिसका गलती है वो गलती है, हम कुछ तो बोल रहे हैं, कोई गलती नहीं है सर, लोग अपना कार्रवाई एकदम अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है मुझे, वो मेरा सेफ्टी के लिए मेरा काम कर रहे हैं ना, मुझे बहुत खुशी है इसमें। तो जैसे कि आपने सुना कि कोलकाता पुलिस सही में काम अपने तरफ से सही कर रहे हैं, मैं वहाँ के भी ऑडियंस से आपसे बात कराऊंगा, आइए मैं आपको वहाँ का भी पब्लिक से बात करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं पुलिस मैटर को तितर बितर करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। अभी हम लोग लाइव है जोड़ा गिरजा से, आइए हम लोग आगे भी बात करने की कोशिश करते हैं। भाई लोग आप लोग यहाँ के लोकल हैं, हाँ ये क्या डेली होता है यहाँ पर पुलिस गाली? हाँ डेली होता है, डेली करता है, डेली होता है। क्या गाली गुप्ता करता है? गाली गुप्ता भी करता है, मतलब बहुत ज्यादा मतलब हैरेसमेंट करता है लोकल एरिया से। अगर सपोज कीजिए आप टन लेके इस पार में आ रहा है तो अब हेलमेट पहन के तो रात को नहीं निकलेगा ना इमरजेंसी में कोई भी पब्लिक। हाँ अब यहाँ पहनना पहन कर अगर नहीं पहना है तो केस देना उनका फर्ज बनता है, लेकिन गाली गलौज वाला मामला। हाँ मिसबिहेव करता है पुलिस लोग, मिसबिहेव करता है, हाँ करता है। यहाँ के आवाम के हिसाब से आप लोग ने कभी भी मतलब ऑफिशियली कोई कंप्लेन जलाने का कोशिश किया? कंप्लेन नहीं करता है इसलिए क्योंकि रात का टाइम है, आदमी जल्दी में इधर उधर कहीं इमरजेंसी में जा रहा तो क्या कंप्लेन करेगा, आदमी निकल जाता है इसीलिए टाइम नहीं मिलता है। यहाँ तो रैंडमली पहुँच मतलब गुजर रही थी तो ये तरह का हादसा दिखा, तो क्या बोलेंगे कि इतने सारे लोग यहाँ पे मिले हुए हैं और अभी भी आप, भाई आप लोग हेलमेट क्यों नहीं पहने हैं भाई? अरे भाई हम लोग आ रहे हैं हेलमेट पहन के, हेलमेट हेलमेट है हम लोग को है। तो आप देख, हाँ तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे भी नौजवान बहुत ज्यादा शरीफ तो है नहीं, विदाउट हेलमेट घूम रहे हैं, पर हाँ जो विद हेलमेट घूम रहे हैं या फिर जो शरीफ है वो भी गाली खा रहे हैं 10 ऐसे नौजवान की वजह से। मैं आपको बताता हूँ कोलकाता पुलिस का, हम लोगों ने आपको असली चेहरा भी दिखाया अभी 2 मिनट पहले, और आपको मैं अभी से ठीक कल सुबह वो रिकॉर्डेड वीडियो दिखाऊंगा जिसमें पुलिस जो है गाली दे रही है, पब्लिक को धक्का दे के भगा रही है। उसकी गलती क्या थी? सिर्फ इतना कि आप किस चीज का केस दे रहे हैं ये सवाल करना। कोलकाता पुलिस भूल गई है कि वो पब्लिक सर्वेंट है, जिस पब्लिक का टैक्स के पैसों से उनको सैलरी मिलती है वो भूल गए हैं, पब्लिक सर्वेंट राजा नहीं है, वो पब्लिक सर्वेंट है। उनको बिहेवियर खराब करने का तनख्वाह नहीं मिलता है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से, ये सोचने वाली बात है। ये वही चौक है, वही मोड़ है जिसका नाम है जोड़ा गिरजा पेट्रोल पंप। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम लोगों के संग भी मिसबिहेव कर रहे हैं कि आमी बाइक डोबो ना, तुमको जो करना है कर लो, लिटरली फोर्स बुला रहे हैं ताकि मीडिया को भी जो है डरा सके। और सबसे पहली बात कि वो झूठ बोल रहे, रिकॉर्डेड वीडियो हमारे पास है विथ एविडेंस। मैं आपको बताता हूँ कि ये रिकॉर्डेड वीडियो हम लोग जरूर चलाएंगे, सेकुलर इंडिया न्यूज है, पुलिस के पीछे हम लोग हमेशा, पुलिस के पीछे नहीं गलत पुलिस के पीछे है, पुलिस का अच्छा काम भी हम लोगों ने दिखाया है, पुलिस के बुरा काम भी हम लोगों ने दिखाया है, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।